हमारे स्टूडियो में है शिवराज सर। नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बच्चों से, बड़े लोगों से, औरतों से माफी मांगना चाहता हूँ। इनकी वजह से सारी मुसीबत आई है, जाकर कहीं डूब मर। सबको पता चल जाएगा। आप हाँ कहे तो मैं कॉल्स लेती हूँ। ले लीजिए, इफ पॉसिबल सभी कॉलर्स को एक साथ ले सकती हैं। लोग झगड़ा करेंगे। करने दो, मैं फेस कर लूंगा। ओके, अभी कॉलर्स रेडी हैं। हेलो, शिवराज जी हैं, उनसे बात कीजिए। सर मेरा नाम दयानंद है। हाँ बोलिए दयानंद जी। सर क्या आपको ये सब सही लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, आपको गलत लग रहा है। चलो बात करते हैं, बताइए आप क्या करते हैं? इवेंट मैनेजर, इंजीनियर, फोटोग्राफर, कॉन्ट्रैक्टर, इंटीरियर डिजाइनर, रियल एस्टेट आर्किटेक्ट, डिजाइनर, टीचर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन, लॉयर। गुड, इन सब के लिए क्या होना चाहिए? दिमाग, टैलेंट, एजुकेशन। फाइन, ये सब कैसे मिलता है? प्रैक्टिस, योगा, ध्यान, प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। ग्रेट, ये सब कहाँ से मिलता है? शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? फिजिकली, मेंटली या फिर मॉरली? फिजिकली मेंटली बोथ। और ये मिलती कहाँ से है? खाने से, ऑफ कोर्स, फूड। खाना। वो देता कौन है? किसान फार्मर, ऑफ कोर्स फार्मर। अरे आप, अभी तक मुझे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ऐसा कह रहे थे, लेकिन किसी एक ने भी कहा कि मैं किसान बनना चाहता हूँ? ओके छोड़ दो, एटलीस्ट एक दिन भी कभी किसानों के बारे में सोचा है तुम लोगों ने, या फिर किसानों को क्या तकलीफ है ये जानने की कोशिश की है? नहीं। एक बात समझ लो, जो खाना हमें मिलता है वो कंप्यूटर से या इंजीनियरिंग से नहीं मिलता है, बल्कि वो हमें मिलता है किसान की मेहनत से। आपके भले के लिए ही वो इतनी मेहनत करता है, वो अपना पूरा अनाज देश में बांट देता है, उसके लिए पैसे लेते हैं, मगर मौज करने के लिए नहीं, बल्कि अगले साल फिर से अनाज उगाकर आप लोगों को दे सके। इतना करने के बाद भी उसकी हालत आप लोगों को पता है? दरिद्रता, आत्महत्या है। अगर हमारे देश में ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में एक निवाला खाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे। 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखने लाखों लोग आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बेचारे किसान की प्रॉब्लम क्या है ये जानने पर कोई एक भी आता है? नहीं आता। आज गली में जो बेचारे सब्जी बेचते हैं उनसे हम तोल भाव करके कीमत कम करा लेते हैं। अगर हिम्मत है तो पिज्जा, बर्गर, स्टार होटल में तोल भाव करके दिखाओ ना। क्षमा करना, ये किसी के विरोध में या द्वेष की लड़ाई नहीं है, सबसे हाथ जोड़कर यही कह रहा हूँ। आप लोग जो काम करते हैं उसमें आपको जो इज्जत और सम्मान मिलता है, वही इज्जत और सम्मान किसानों को भी मिलना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। अभी इतना बोलने के बाद अगर मेरी कोई गलती नजर आती है तो क्षमा करना।